पॉइंट 22 टू। ओके, वॉट इज गिवन, लेट अस सी सॉल्यूशन। देर आर टू केसेस, इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली देर आर टू केसेस। फर्स्ट केस में इट सेज अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 टू 50 डिग्री सेल्सियस। सो केस वन, सी द वे आई डू केस वन। ओके, 80 टू 50 डिग्री सेल्सियस, T1 इज 80, T2 इज 50 डिग्री सेल्सियस, T0 इज सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, टाइम टेकन इज 5 मिनट्स, टाइम टेकन इज 5 मिनट्स, छोटा T इज 5 मिनट्स। सो वी नो बेसिक फॉर्मूला, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, रेट ऑफ हीट लॉस। मैं तुमको एक फॉर्मूला देता हूं, तू बाय हार्ट करो, वही फॉर्मूला बाय हार्ट करना, नेक्स्ट आने वाले दिनों में वही फॉर्मूला यूज करने का रहता है, नया फॉर्मूला है, पहली बार कर रहा है, हाँ वो तुमको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ओके, के टी माइनस टी नॉट, मैं एक्सप्लेन करेगा, के टी माइनस टी नॉट इज T1 माइनस T2 बाई टी, ये बाय हार्ट कर, यही फॉर्मूला है। ओके, प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर सारे प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर। व्हाट इज टी, सी T1 पता है, T2 पता है, इनिशियल, मैं स्लोली बात करता हूं, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज फाइनल टेम्परेचर, टी छोटा टी इज टाइम टेकन, के इज कॉन्स्टेंट, व्हाट इज दैट कॉन्स्टेंट वी नेवर नो, व्हाट इज दैट कॉन्स्टेंट वी नेवर नो, टी नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर, छोटा टी नॉर्मल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी इज ऑलवेज गिवन बाय ऑलवेज ऑलवेज T1 बाय T2 बाय 2, इट इज ऑलवेज गिवन बाय लाइक दिस, सो एवरेज, कैपिटल टी यानी एवरेज। ओके, लेट अस डू के एज इट इज, कैपिटल टी एवरेज लेंगे, इधर एवरेज क्या आता है, 80 प्लस 50, 8 प्लस 5 120 डिवाइडेड बाय 2, आई जस्ट राइट 130 डिवाइडेड बाय 2 65 डिग्री सेल्सियस, 65 माइनस टी नॉट इज 20 इज इक्वल टू 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 5 मिनट्स, फाइंड के, फर्स्ट फाइंड के फ्रॉम केस वन, फाइंड के From case 1, find K. So, I am finding K now. K, 65 में से 20 gone, 45, 30 by 5. 5 1's are, 5 6 are. K is equal to 6 upon 20, 45. 6 upon 45 will go in 3 table. 2 upon 1, 15. So, I got K as 2 by 15. So, from case 1, from केस वन मैंने क्या निकाला, ये सारा कहानी से केस वन से मैंने के निकाला, वो के का वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ के आई विल सब्स्टिट्यूट इन केस टू एंड फाइंड आउट व्हाट इज टाइम। इफ यू रीड द क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 टू 30, सो केस टू डायरेक्टली लिखेगा के, K is डायरेक्ट नको जाने दे, डायरेक्टली नको, K T माइनस टी नॉट T1 माइनस T2 by T, ओके मेरे को T चाहिए, डैश डाल दे, डैश 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 डैश, अलग अलग नाम देना पड़ेगा ना, सेम अल्फाबेट सेम नाम नहीं दे सकता, अलग अलग नाम देना पड़ेगा। अब K इधर आया 2 by 15, T डैश मालूम नहीं, निकालना पड़ेगा, 60 प्लस 30, व्हाट इज टी का फॉर्मूला, दोनों का एडिशन का एवरेज, दोनों के एडिशन का एवरेज, तो टी का फॉर्मूला इज T1 प्लस T2 बाय एवरेज, दैट इज 30 प्लस 60 90 का एवरेज 45 माइनस सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, मालूम नहीं टी मालूम नहीं, T1 डैश T2 डैश 60 में से 30 गया, केस टू है ये, केस वन क्या था 80 में से 50,
केस टू 60 में से 30, 60 में से 30 गया बोले तो 30 बचा। तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, मैं डिटेल में लिखता हूं, बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, पहली बार कर रहा है ना इसीलिए। ओके, तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, गणित पार्ट। व्हाट इज लेफ्ट इज नाउ गणित पार्ट। डू केयरफुली द गणित पार्ट, आई थिंक सो यू शुड बी डूइंग, सर शुड नॉट डू ऑल दिस। 2/15, 45 में से 25 is equal to 30 by t. ओके, ओ 3 5 5 1 5 6 5 1 5 6. ओके, हाँ 2 1 2 3 1/3 = 3/t, therefore t = 6 minutes. गलती से मिस्टेक हो गया, 9 minutes, t = 9 minutes. इट मीन्स इट इज अ क्लियर प्रूफ, एज आई टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जैसा जैसा तू टेम्परेचर के नजदीक आएगा सराउंडिंग फील लेता हो, जैसे जैसे तो सराउंडिंग टेम्परेचर के नजदीक आएगा कूलिंग स्लो होगा, देख जैसे जैसे तो सराउंडिंग टेम्परेचर से दूर रहेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर से दूर रहेगा कूलिंग फास्ट होगा। देख यहां पे भी 30 डिग्री घिरा, 80 से 50, यहां पे भी 30 डिग्री घिरा, कितने टाइम में, 5 मिनट में। यहां पे भी 30 डिग्री घिरा, कितने टाइम में, 9 मिनट। इसका मतलब कूलिंग का प्रोसेस स्लो होगा, जैसे तू सराउंडिंग के नजदीक आएगा कर वैसा आता है, ऐसा आता है कर वैसा आता है, ये टाइम रहेगा और ऐसा क्वीन बहुत स्लो जाएगा भी, ऐसा कर आता है, मैं सिखाऊंगा कर भी, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन करना था, टिपिकल नीट क्वेश्चन आस्क 10 साल में 2 बार ऑन दिस, बट यू हैव टू डू इट इन 1 मिनट, यू नीड दैट पेस, इट इज इजी, नो वे वी यूज कैलकुलेटर, वी जस्ट नीड पेस ऑफ डूइंग द सम। ओके, आई होप आई एम क्लियर।